बार बार आए हुए जो है समस्या है, इसको हम फिक्स करेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप लोग को चाहिए ये दो प्रोग्राम। इसको इंस्टॉल करते हैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ। देखिए जहाँ पर प्रॉब्लम है उसमें ये रेड कलर का ऐसा आ रहा है। हम लोग जो जो दबाएंगे जो सही है उसमें ग्रीन कलर आएगा। जो प्रॉब्लम है उसमें ये रेड कलर आएगा। देखिए इसमें और इसमें दो में दिखाई दे रहा है मेरे को। अभी इसको कैसे डिसेबल करेंगे कीबोर्ड को चलाएंगे। पूरा सही है सिर्फ ये वाला ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसको डिसेबल करना चाहिए। ओके हम अभी इसको डिसेबल करने जाएंगे। इसको डिसेबल करने के लिए ये वाला प्रॉब्लम चाहिए। इसको इंस्टॉल करेंगे। कंप्लीट हो गया। अभी इसको ओपन करेंगे। ये आया, ये दिखाई दे रहा है हम लोग का प्रॉब्लम है किसमें। ये नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये अपना प्रॉब्लम ये है। जो ये अपना प्रॉब्लम आ रहा था बार बार, इसको हम अभी यहाँ से डिसेबल की कर देंगे। इसको डिसेबल एक्टिव करके ये डिसेबल हो गया और इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे और अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट हो जाए। देखिए दोस्तों अभी ये विंडोज़ खुल गया। अब हमारा वो जो मसला था वो अभी ठीक हो गया। जैसे कि मैं ये ब्राउज़र खोलता हूँ, उसके बाद ये नोटपैड भी खोल के दिखाता हूँ। देखिए हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखिए पहला ये ऑटोमेटिक से ये
जो कीबोर्ड का जो माइनस था वो सर रहा था, पूरे इधर से थी इधर तक आ रहा था कंटिन्यू। विब्राइजर में भी ऐसे ही प्रॉब्लम था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, अभी अपना मसला सॉल्व हो गया। इसलिए ये दोनों एक की ट्विक और एक कीबोर्ड टेस्ट, ये दोनों से आपका जो प्रॉब्लम है कीबोर्ड का वो ठीक हो जाएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो कर सकते हैं। ओके दोस्त, धन्यवाद।